आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। ये स्टोरी स्टार्ट होती है काइजू नंबर 8 के मांगा चैप्टर नंबर 39 से। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने काइजू नंबर 8 के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि काफा का डिस्पोजल कैंसिल हो चुका है, और अब ये बात मीना किकोरू को बताती है। किकोरू इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, बट फिर भी किकोरू इस बात को सेलिब्रेट नहीं करती है, बिकॉज किकोरू को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था, वरना किकोरू उसे कभी भी रोक नहीं पाएगी जब जरूरत होगी। तभी वहाँ पर फर्स्ट डिविजन का कैप्टन ईजी हासिगावा आ जाता है। वो किकोरू को अपने कैप्टन के ऑफिस में ले जाता है। जाते जाते हासिगावा किकोरू को बोलता है कि तुम्हें थर्ड डिवीजन के कैप्टन से पता चल गया होगा, जब तक ताचिगावा बेस रिपेयर नहीं हो जाता है तुम फर्स्ट डिवीजन के अंडर में काम करोगी। यहाँ पर किकोरू मान जाती है, और यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन है इन द काइजू सुपर नेशन, जिसको जापान कहा जाता है। और जब किकोरू अमेरिका में भी थी तब भी उसे इसके बारे में सब कुछ पता था। ये जगह किकोरू के लिए परफेक्ट प्लेस है अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के ऑफिस के सामने आ चुके हैं। तभी यहाँ पर किकोरू सोचते हैं कि जापान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन के कैप्टन से मिलने वाली हूँ मैं, और मैं उससे जितना ज्यादा सीख सकती हूँ उतना ज्यादा मैं सीखने का ट्राई करूंगी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं हासेगावा इस डोर को ओपन करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अभी जापान डिफेंस फोर्स के फर्स्ट डिवीजन कैप्टन से मिलवाने वाली हूँ। ये बात बोलते बोलते वो पूरा गेट खोल देता है, और अंदर हम देखते हैं पूरी जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जैन नारुमी जो कैप्टन है वो गेम खेल रहा है बहुत ही ज्यादा इंटेंस गेमिंग मोड में। ये सब चीजों को देख कर हासेगावा इस डोर को बंद कर देता है और किकोरू को बोलता है कि तुम यहाँ पर एक सेकंड के लिए वेट करो, मैं अंदर देख कर आता हूँ। यहाँ पर हासेगावा अंदर जाता है तब नारुमी गेम खेल रहा होता है, फिर हासेगावा जाकर उसे पीछे से लात मारता है, जो सच में काफी ज्यादा हिलेरियस होती है। हम यहाँ पर ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो उसे लात मारकर उसको मॉनिटर के सामने से फेंक देता है। तो नारुमी अपने गेम को उठाकर देखता है कि वो ठीक है कि नहीं। फिर हासेगावा बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले बोला था कि तुम अपने ऑफिस को क्लीन रखा करो। इस बात की रिप्लाई में नारुमी कहता है कि मैंने तुम्हारी बात को सुन लिया था, अब उस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है या फिर इग्नोर करना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर नारुमी इस बात को बहुत ज्यादा एक्शन मार के बोलता है, तब उसे हासेगावा एक और लात मारता है और बोलता है कि ये समझदार बातें तुम बंद करो, तुम लेजी हो रहे हो ऐसे पड़े पड़े। हम आगे देखते हैं कि नारुमी का एक एक्शन फिगर टूट चुका है उस लात से, और नारुमी उसे गुस्से में उठाकर हासेगावा से बोलता है कि ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पर जैसे रहना चाहूँ वैसे रह सकता हूँ और जो मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तब हासेगावा बोलता है कि ये ऑफिस तुम्हारा खुद का नहीं है, ये डिफेंस फोर्स की प्रॉपर्टी है। तब नारुमी बोलता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें है, तो क्यों ना तुम ही इस रूम को क्लीन कर दो। हासेगावा कहता है कि अपना काम मेरे ऊपर मत डालो। तभी हासेगावा नारुमी को पकड़ के बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा ऑफिस तुमसे छीन लेता हूँ, और वो कुछ बंदों को बुलाता है। यहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं और हासेगावा उनसे कहता है कि यहाँ से सारा सामान ले जाओ। नारुमी इन सोल्जर्स पे चिल्लाते हुए कहता है कि इस ऑफिस से किसी भी चीज पे हाथ मत लगाना, मैं साफ कर लूंगा बाद में। इसके बाद हासेगावा नारुमी को पकड़ कर किकोरू के पास ले जाता और बोलता है कि ये हमारा कैप्टन है नारुमी। किकोरू सोचते कि मैं क्या करूं, मैं इसे जैसे सोचती थी इसको रिस्पेक्ट कैसे दे सकती इतनी गंदगी में बैठे हुए इंसान को। फिर नारुमी बोलता है कि तुम तो मिस्टर इसाओ की बेटी हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। यहाँ पर किकोरू सोचती है फोकस करो, ये भले ही गुंडा है, अरे मतलब जेंटलमैन है, स्टिल हमारा सुपीरियर ऑफिसर है। इसीलिए किकोरू से सैल्यूट करके बोलती है, मेरा नाम है किकोरू सिनोमिया, मैं थर्ड डिवीजन से आई हूँ एंड मुझे फर्स्ट डिवीजन में लेने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, और मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ। नारुमी बोलता है कि फॉर्मेलिटी मत दिखाओ मेरे सामने, तुम अपनी फॉर्मेलिटी को दूर फेंक सकती हो, फर्स्ट डिवीजन कैप्टन होने के नाते मैं तुमसे बस एक चीज चाहता हूँ। किकोरू बोलती है कि वो एक चीज क्या है। फिर नारुमी बोलता है कि तुम हमें एक्शन में देखोगी तब समझ जाओगी, एंड मैं तुम्हें ये सब कुछ ऑब्जर्व करने दूंगा जिसे देखकर तुम नोट भी कर सकती हो। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और फिर हम लोग देखते हैं डाई काइजू जिसने अटैक कर दिया था कावासाकी वार्ड में। ये काइजू टोक्यो बेस से गुजरता हुआ पहले एम्बैकमेंट को पार कर चुका था और ये नॉर्थ की साइड बढ़ रहा है, और इस काइजू को न्यूट्रलाइज करने का काम फर्स्ट डिवीजन को सौंपा गया है। इसीलिए उन्हें ऑर्डर दिया गया है कावासाकी नीसा सुरुमी में सभी को इवैक्यूएट करने का। तभी हम लोग देखते हैं हासेगावा जो एक बहुत ही बड़ा आर्मर पहन के रखा है वो अटैक करता है इस काइजू के ऊपर और बोलता है फर्स्ट बैटरी काइजू के लेफ्ट साइड से फुल फायर करो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को जो हैवी मशीन गन से काइजू पे अटैक कर रहे हैं, और ये सब कुछ किकोरू देख रही है ऊपर हेलीकॉप्टर से, और वो हर चीज ऑब्जर्व कर रही है और कहती है कि यहाँ पर सब कुछ काफी अमेजिंग है,
ये लोग बहुत ही ज्यादा इजीली काइजू को रास्ते को ये लोग तो बहुत ही ज्यादा इजीली काइजू के रास्ते को डिटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। इकोरु यहाँ पर गैस करती है कि जितने भी ऑफिसर यहाँ पर है उनके पास कॉम्बैट पावर कम से कम 40% की होगी या उससे ज्यादा की, और वो एक प्लेटून लीडर के इक्वल है। ये सभी लोग काइजू की डेजिग्नेटेड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे ले आते हैं, और हम लोग देखते हैं ज़ेन नारुमी को जो अपने वेपन को पकड़ के कहता है क्यों ना हम अभी चलें किकोरु। फिर नारुमी बोलता है कि मैनर्स, अपीयरेंस, डिलीजेंस, ग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं मांगता मैं, मुझे बस एक चीज की डिमांड है। तभी ज़ेन नारुमी अपने बालों को ऊपर करता हुआ उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है, फिर अपने वेपन को निकाल कर काइजू की पीठ में स्टैब कर देता है और इस वेपन का ट्रिगर दबा देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये पूरा काइजू फट जाता है और इसके चितड़े उड़ जाते हैं। तब ज़ेन नारुमी अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मुझे ओवरवेलमिंग स्किल्स दिखाओ, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो वेल मैनर्ड है। तब किकोरु एक्साइटेड होते हुए कहती है ये की ना अच्छी बात। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है और ये था चैप्टर का ओवरव्यू, और जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाले हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियो का इंतजार करें।